अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो एक नए अंदाज़ में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुरंगी नंबर 1.5 मटके वाली पुलिया। मटके वाली पुलिया तो मतलब मेन रोड वाला हिस्सा है। जब उस रोड से आप सीधा सीधा ऊपर आते हो एचएम ग्राउंड आता है, एचएम ग्राउंड से फिर थोड़ा सा और आगे की तरफ आते हो तो वो रोड ख़त्म हो जाता है और कोने के ऊपर एक चिप्स की दुकान है फ्राइस। और इनके पास फ्राइस दो किस्म की है, एक सादी फ्राइस है और एक अंडे वाली फ्राइस है। अब इन दोनों की क्या खासियत है और यहाँ के जो लोग आते हैं वो कौन सी फ्राइस पसंद करते हैं, सादी फ्राइस पसंद करते हैं, अंडे वाली फ्राइस पसंद करते हैं, और जो दुकान के जो ऑनर है उनका नाम है इमरान भाई, यानी जो मेरा जो नाम है जुनेद इमरान, इन भाई का नाम है इमरान। तो इमरान भाई से आज बात करेंगे कि इमरान भाई ने ये अपनी शॉप कब ओपन करी थी, कितना टाइम हो गया इमरान भाई को ये काम करते हुए, और इमरान भाई ने ये जो अंडे वाली फ्राइज़ है ये कहाँ से ये काम सीखा है, या इनका खुद का अपना आइडिया था और इनके पास जो लोग आके बैठ के खाते हैं या घर के लिए पार्सल लेके जाते हैं तो वो पूछेंगे इनसे कि इनके पास ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है, कि अंडे वाली फ्राइस की है या सादी फ्राइस की है, और इन्होंने इसका क्या प्राइस रखा हुआ है, कितने बजे इनकी शॉप ओपन हो जाती है, कितने बजे ऑफ होती है, और यहाँ जो लोग खड़े हुए खा रहे हैं हम उन दोस्तों से भी बात करेंगे। आए दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम भाई। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं कि ये आपकी जो शॉप का टाइम आपने क्या रखा हुआ है? ये हमारी शॉप का टाइम है भाई 4 बजे से खुल जाती है और 10-11 बजे तक होती है। अच्छा 11 बजे तक होती है। अच्छा ये आपने जो दो फ्राइज़ रखी हुई है, एक सादी और एक अंडे वाली, तो ये अलग अलग क्यों रखी हुई है? क्या अलग अलग आवाम की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा। कोई अंडे वाली खाना पसंद करता है, कोई सादी खाना पसंद करता है, तो मैक्सिमम हमने आवाम के लिए ये रखी हुई हमने कि कोई अंडे वाली बनवाता है, कोई सादी बनवाता है। अच्छा ये अंडे वाली की डिमांड कितनी है और सादी की डिमांड कितनी है? मैक्सिमम सादी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, अंडे वाली कोई पसंद करता है। अच्छा अंडे वाली कोई पसंद करता है। अच्छा ये बताएं कि आपके पास जो लोग यहाँ पे बैठ के खड़े होकर खाते हैं या पार्सल लेके जाते हैं उसके अंदर डिमांड किसकी आती है, यानी पार्सल ले जाने वाले अंडे वाली लेके जाते हैं या सादी लेके जाते हैं? पार्सल में तकरीबन दोनों की डिमांड होती है। अच्छा दोनों की डिमांड होती है। अच्छा इसकी ये जो आइडिया था आपके पास अंडे वाली फ्राइस, ये आपका अपना आइडिया है या आपने किसी से लिया? अपना फार्मूला था, 2007 से काम कर रहे हैं हम। अच्छा 2007 से कर रहे हैं, माशाल्लाह भाई 2007 से ये कर रहे हैं और 2022 आ गया। अच्छा इमरान भाई ये बताएं आपने इसका प्राइस क्या रखा हुआ है? ये अंडे वाली हमने 200 रुपये की रखी हुई है और सादी हमने 50 रुपये की रखी हुई है। वैसे महंगाई के हिसाब से 50 रुपये में वारा नहीं है, लेकिन हम फिर भी आवाम की भलाई के लिए 50 रुपये रेट रखे हैं। अच्छा भाई देखिए, आवाम की इतनी महंगाई के अंदर भी आवाम के लिए इन्होंने इतना कम प्राइस रखा हुआ है, 50 रुपये इन्होंने रखा हुआ है, और अंडे वाली फ्राइस का भी इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या प्राइस रखा है। और यहाँ पे कुछ दोस्त खड़े हुए, उन दोस्तों से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम सलाम भाई, आप कहाँ से आए? मैं आया हूँ यहाँ पीछे रोड से, यानी कि पीछे, यानी आप यहीं के रिहायश से? अक्सर मस्जिद की तरफ से, यानी आप यहीं के रिहायश हैं। अच्छा ये बताएं आप यहाँ पे चिप्स खाने कितना टाइम हो गया, कितना अर्सा हो गया आपको आते? मेरे को यहाँ के तकरीबन 5-6 महीने हो गए यहाँ आते। 5-6 महीने, तो आपने कहीं और भी चिप्स ट्राई किए तो वहाँ की यहाँ के क्या फ़र्क नज़र आया आपको? यहाँ के यानी कि जायका यानी कि सबसे अच्छा है, यानी कि इनके रेट मुनासिब हैं और यानी कि चिप्स फ्राइज इनकी बहुत अच्छी लगी हमें खाने। अच्छा भाई देखें, यहाँ का इनका रेट बहुत अच्छा है इमरान भाई का, और इतनी महंगाई में इतना अच्छा रेट रखा हुआ है कि हर बंदा यहाँ पे आके चिप्स खाता है। अच्छा ये बताएं आपने किस चीज़ का ऑर्डर लगवाया था, सादी वाली का या अंडे वाली? सादी वाली। अच्छा सादी वाली, तो आपने सादी वाली, तो आप अकेले आए हैं या कभी दोस्त यार भी आपके साथ आते हैं? भी आते हैं। तो कब आते हैं, आम दिनों में, संडे के दिन, कौन सा दिन? आम दिनों में आते, संडे दिन में आते हैं, लेकिन अभी हम अकेले हैं। अच्छा ये बताएं कि इमरान भाई ने जो मसाला वगैरह रखा हुआ इसमें आपको मतलब स्पाइसी पसंद है, सिंपल पसंद है, तेज़ पसंद है? स्पाइसी पसंद है भाई। देखें इस भाई को भी स्पाइसी पसंद है और ये स्पाइसी खाते हैं, और ये बता रहे हैं इमरान भाई ने इतना अच्छा इसका मतलब जायका बनाया हुआ है मसाले का और चिप्स का, और इतना अच्छा इन्होंने प्राइस रखा हुआ है, और मजीद यहाँ दोस्त खड़े हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई ये बताएं आप कहाँ से आएँ? मैं कुरंगी से, नूरानी बस्ती से। अच्छा नूरानी बस्ती से, तो नूरानी बस्ती से आप यहाँ पे आए हैं, तो वहाँ पे भी चीज मिलती है और यहाँ पे, तो यहाँ पे ही क्यों आए आप? ये स्कूल टाइम से खा रहे हैं इमरान भाई से हम। अच्छा, 2011 से। अच्छा माशाल्लाह, तो आपने दूसरी जगह भी चिप्स खाई होगी, तो वहाँ का टेस्ट और यहाँ के टेस्ट में क्या फ़र्क है? मेयार का फ़र्क है। अच्छा, मेयार इनका अच्छा है माशाल्लाह, इनका अखलाक बहुत अच्छा है माशाल्लाह, जायका बहुत अच्छा है इनके अंदर, और हर चीज़ को परफेक्ट करते हैं, हर चीज़ परफेक्ट देते हैं। अच्छा हर चीज़ इनकी परफेक्ट है। अच्छा ये बताएं आपने जो यहाँ पे चिप्स खाई है सादी वाली ज़्यादा पसंद करते हैं आप या अंडे वाली पसंद करते हैं? इनकी दोनों चीज़ें बड़ी प्यारी हैं, अंडे वाली भी प्यारी है माशाल्लाह, या सादी भी बड़ी प्यारी है, क्योंकि अभी तो अंडे वाली बंद की हुई है, इस वजह से सादी चिप्स चला रहे हैं, तो सादी बहुत चलती है इनकी। अच्छा सादी बहुत चल रही है। अच्छा ये बताएं कि आप यहाँ पे हमेशा खड़े होकर खाते हैं, कभी घर वालों के लिए भी लेके जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों के लिए लेके जाते हैं, इधर खाते भी हैं खुद, और दोस्तों यारों को भी लेके आते हैं खिलाने के लिए, संडे के
संडे आते हैं, छुट्टी होती है जब। अच्छा ये बताएं कि आप यहाँ पे खाते हैं, दूसरी जगह भी आपने चिप्स ट्राई की होगी, तो वहाँ के प्राइस में और यहाँ के प्राइस में कुछ नज़र आया कमी ज़्यादा? बहुत कमी है इनके प्राइस के अंदर, बड़ी बात है। काफ़ी जगह जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेट होता है इनकी, माशाल्लाह ये 20-30 की भी देते हैं बच्चों को, आ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बड़ी चिप्सें खाई हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा रेट इनका है। देखें भाई, भाई ने बताया कि नूरानी बस्ती से आए हैं कुरंगी 1.5 नंबर पे, और इन्होंने खुद ने बताया है कि इनका जो प्राइस है ना वो सबसे मुनासिब है। इन्होंने काफ़ी जगह मतलब चिप्स खाई है, प्राइस शादी भी खाई है, अंडे वाली भी खाई, लेकिन वो इतनी महंगी होती है कि हर बंदा महंगाई के दौर में परचेस नहीं कर पाता। लेकिन इमरान भाई ने इतना अच्छा स्तर का प्राइस रखा हुआ है कि हर बंदा अफोर्ड कर पाता, और यहाँ पर लोग आते हैं खाते हैं और अपने घर वालों के लिए मज़ीद पार्सल लेके जाते हैं। और दोस्तों मैंने जो ऑर्डर लगवाया उस ऑर्डर के बारे में बात करते हैं फिर मैं। अच्छा दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा था चिप्स के बारे में, चिप्स है मनसलवा, तो ये मेरा ऑर्डर लग के आ गया मेरे कैमरे की आँख आपको दिखाएगी। ये चिप्स देखें माशाल्लाह कितनी फ्रेश है, और इसका मसाला अच्छा, ये मसाले के बारे में बता दूँ, ये मसाला जो ना ये इनकी अपनी रेसिपी है, मतलब ये कहीं से ख़रीदते नहीं है, ये बाहर से जो कच्चा मसाला होता है ख़रीद के लेके आते हैं और फिर उसको घर में कूटते हैं, पीसते हैं, और उसके बाद ये इसको तैयार करके फिर अपने पास लेके आते हैं, यानी कहीं से बना हुआ ख़रीदते नहीं है, इनकी अपनी रेसिपी है ये। तो दोस्तों ज़रा आप इसको टेस्ट कर लेते हैं, और टेस्ट करके मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका ज़ायका कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम बहुत हो रही है, मज़ेदार। अच्छा मैंने काफ़ी जगह पे चिप्स खाई है, एक दो जगह मैं गया था वीडियो बनाने के लिए चिप्स की ही, बंस रोड भी गया था मैं, और अपना सदर की तरफ भी गया था, वहाँ पे मैंने चिप्स काफ़ी खाई है। तो हर किसी के चिप्स बनाने का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक अंदाज़ होता है, लेकिन इनका जो मसाला और इनकी जो चटनी और ये रायता वगैरह है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो मुझे तो चिप बहुत पसंद आई है। अगर आप लोग मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को यहाँ तक पहुँचा दिया उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरी वीडियो को देखते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो मेरे चैनल पर भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट्स करें, इस तरह की मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।